राधा कृष्ण की जय हो। पूतना उद्धार की यह कथा यदुकुल के कुल गुरु महर्षि गर्गाचार्य के गर्ग संहिता से ली गई है। इस संहिता में नारद मुनि जी मिथिला के राजा बहुलाश्व को बता रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सच्ची सरस्वती लक्ष्मी रब्भा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हत प्रतीत हो गईं। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना अस्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके अस्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। निप्रेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और व्रज के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीस कर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया, फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोर जमिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नृसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें, साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें, भगवान श्वेत वराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करें, भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्षः स्थल को सुरक्षित रखें, भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें, पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें, भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें, मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं, परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायन व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें, बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें, धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को, दुर्वासा ऋषि ने नंद मंदिर में जाकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था।
इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सबके सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्रीकृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? राजा बहुलास ने पूछा, देवर से यह बाल घातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पुतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या। राधा कृष्ण जी की जय हो।